दूसरे कई तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में 6 से 11 फीसद तक की बढ़ोतरी की है। सरकार ने सीपीओ और आरबीजी पाम ऑयल समेत क्रूड सोया ऑयल पर भी ड्यूटी बढ़ाई है। सीपीओ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर $952 प्रति टन हो चुकी है, जो कि पहले $858 प्रति टन थी। इसी तरह से आरबीजी पाम ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी $905 प्रति टन से बढ़कर $962 प्रति टन पर पहुंच गई है, जबकि आरबीजी पामोलिन पर इंपोर्ट ड्यूटी $934 प्रति टन से बढ़कर $971 प्रति टन पर पहुंच गई है। वहीं क्रूड सोया ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी $1,274 प्रति टन से बढ़कर $1,345 प्रति टन पर पहुंच गई है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल के दाम गिर चुके हैं। पाम ऑयल 2022 की ऊंचाई से आधा हुआ है। वहीं आरएम सीड सनफ्लावर ऑयल की कीमतें भी घटी हैं। ऐसे में कीमतें कम होने से खाने के तेल के इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, जिसका असर घरेलू सप्लाई पर भी देखने को मिला है। जानकारों का कहना है कि किसानों को फसल का सही कीमत नहीं मिल रही है। तिलहन फसलें एमएसपी से भी कम भाव पर बिक रही हैं। इस बीच ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रूस बाहर हुआ है। रूस के बाहर होने से खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। खाने के तेल के दाम 2022 के निचले स्तरों से 15 से 20 फीसदी बढ़े हैं। इन सभी वजहों के कारण सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर रही है। आपको बता दें कि क्रूड पाम ऑयल की कीमतों में 11 फीसदी, तो आरबीजी पाम ऑयल में 6 फीसदी, तो क्रूड सोया ऑयल में 5.6% और आरबीजी पामोलिन में 4% की फिलहाल बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।